क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे मिट्टी हो? तैयार कर रहा हैं? हूँ, मिट्टी तैयार कर रहा हूँ, क्या बना रहे हो? शिवलिंग। शिवलिंग बना रहे हो? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज भाई साहब महाशिवरात्रि का पर्व है, तो भगवान शिव की स्थापना करेंगे और फिर करेंगे उनकी पूजा। तो हमारे यहाँ तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से पहले दादाजी यहाँ महाशिवरात्रि पे शिवलिंग की स्थापना किया करते थे, भगवान शिव की स्थापना करते थे और फिर पूजा करते थे। तो आज मैं और मटकू कर रहे हैं ये काम। पहले मैं और बाबू जी किया करते थे, अब दादाजी तो है नहीं, तो मैं और मटकू ये काम करेंगे और भगवान शिव की स्थापना करते हैं और फिर पूजा करके भगवान से आराधना करेंगे। सब और मंगल हो। यूक्रेन और जो रूसिया का जो युद्ध हो रहा है, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपना पिता को खो दिया, किसी ने अपने बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया। तो सब और शांति और चैन और अमन बना रहे, इस आज यही प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो मटकू भाई झाड़ू लेकर के आ गए हैं सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम झाड़ू निकाल रहे हैं, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, कांटे वांटे हो तो हट जाए। अभी इसके ऊपर मिट्टी और लगेगी और फिर इसका पानी निकालने के लिए रास्ता भी होगा, तो अभी ये पूरा नहीं बना है। तो मिट्टी लाने चल रहे हैं अपन। चलो मिट्टी लेके आते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद भगवान शिव की स्थापना हमने कर दी है, देखो आप। और अब यहाँ दरी वरी बिछा देते हैं, पूजा वूजा करने में आसानी रहेगी। मटकू भाई गए हैं दरी लेने के लिए, वो ले आते हैं फिर बिछा देंगे। मटकू भाई दरी ले आए हैं और दरी लगा करके और हमने इसको कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब पूजा बात कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर, सही हुआ है? हाँ, काम है, बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक सवाल का जवाब दो, हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो क्या हमारा ब्रश डिसमिस हो गया? उसमें कौन सेंधा नमक डालने आएगा? तो इसका मतलब सबका ब्रश डिसमिस हो गया। और मम्मी से और पूछ के आता हूँ, भाई हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो क्या हमारा ब्रश डिसमिस हो गया? नहीं। तो उसमें कौन सेंधा नमक डालने आएगा? मम्मी तो किया ही नहीं। मम्मी हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो क्या हमारा ब्रश डिसमिस हो गया? पूजा की थाली तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और पूजा करने के लिए मटकू भाई बिल्कुल नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो गया। तो मंदिर में ही करता है। दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक मूर सोए मुसकि सवारी, विष्णु सदा शिव ब्रह्मा, विष्णु सदा शिव हर लंगे दाता, ओम जय जिन ओंकारा। बंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नीलनी, सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम। टाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका, डमड 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 नाथ वर्डमर भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नच्छिव शिव। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखर गति प्रतीक्षण। अभी तो आपने प्रसाद भी नहीं लिया, अभी कहाँ लौट के आए हो आप? मैं कहीं नहीं लौट के आया, पूजा घर के आया। तो वही आज काफ़ी मेहनत के बाद इकोस्टिक फॉर्म हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे देखो आप का। लगभग 6 घंटे का टाइम लग गया हमारे को इनको चिपकाने में और इनको यहाँ मेंशन करने में, और रात के लगभग 10 बज चुके हैं।
भाई रात के लगभग 10 बज चुके हैं, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और ये इकोस्टिक वॉल तैयार करने में हमारे को लगभग 6 घंटे का टाइम लग गया, काफ़ी थकान हो गया। सोते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।